अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आए हुए पीराने कलियर हज़रत अलाउद्दीन मखदूम साबरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उनकी ज़ियारत करेंगे। उनकी दरगाह के मनाजिर जो हैं और वहाँ के हालात जो हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये पीराने शहर है कलियर रहमतुल्लाह अलैह के, जिन्होंने 12 साल लंगर को इस्तेमाल किया, लंगर को दूसरे लोगों को खिलाया ज़रूर, लेकिन खुद नहीं खाया, सिर्फ पत्ते और पानी पर 12 साल रहे। और उसके बाद 12 साल खड़े रहकर उन्होंने चिल्ला किया है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ की मस्जिद को पलटाया है। और उससे जो बड़ी बात है, इस कलियर शरीफ, जिसका नाम शरीफ जो है बाद में पड़ा, यहाँ पर उन्होंने इस शहर को भस्म कर दिया था अपने जलाल से, ऐसी जलालियत जैसी रूहानियत थी उनमें। तो चलिए करते हैं दीदार दरगाह अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। ये साबर पाक की दरगाह के आसपास लोगों ने जो ये लोग लंगर तैयार करते हैं लोगों के लिए, ये भी आप देख लें। अब यहाँ पर ये लड़की किस तरह से इस रस्सी के ऊपर अपना बैलेंस बनाए हुए हैं, ये सभी चीज़ें आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पर दरगाह के आसपास हैं। ये दरगाह के अंदर जाने का दरवाज़ा है। अब हम इस दरवाजे को दरवाजे से गुजर कर अंदर जाने वाले हैं। लोगों का हजूम भी आप देख रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर। इस वक्त नमाज का भी वक्त होने जा रहा है, तो दरगाह अंदर जाने से पहले हम नमाज अदा करेंगे, तो उसके बाद मैं दरगाह में जाते हुए कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, अगर पॉसिबल हो पाया तो। सबसे पहले यहां पर मैं नमाज अदा करूंगा। शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, माइक भी चल रही है इस वक्त, आपको शायद हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम आए, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच ना पाए, तो इसलिए नमाज अदा करने के बाद मैं अंदर का दरगाह की जो दरगाह है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ के आस पास और यहाँ पर कवालियाँ भी गाई जाती हैं, तो वहाँ पर भी एक शूट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ दरगाह के साथ में यहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर मैं आया हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर नमाज अदा करूँगा, तो इंशाल्लाह नमाज अदा करने के फौरन बाद ही दरगाह के ये आस्थाने आलिया है साबर पाक रहमतुल्लाह का, तो फिर अंदर जाकर मैं आपको वहाँ पर दरगाह का भी ज़्यारत करूँगा। अब नमाज के बाद हम दरगाह में जा रहे हैं, सामने आपको मकबरा दिखाई दे रहा है हज़रत अलाउद्दीन अली साबर पाक रहमतुल्लाह अलैह का। अंदर जाकर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हो पाया तो आपको ज़रूर मैं उनके मकबरे का दीदार कराऊंगा। ये सामने दिख रहा है, अभी अंदर आ गया हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से मैं मोबाइल जो है वो अपने मुंह के साथ रखकर किसी तरह से आस्ता आस्ता बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ लेला से, जाहिर यहाँ पर ये कबूतर आप देख रहे हैं, इनको भी दाना यहाँ पर डाला जाता है। अब आगे ले चलता हूँ कवाली की तरफ, यहाँ पर ये कवाली हो रही है, आप जो है इसका भी यहाँ पे आनंद लें। और वीडियो को मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे जिन्नात और वगैरह इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, मैंने अवॉइड किया है। या बगैर किसी मजहब व मिल्लत के हर किस्म के लोग आते हैं। अब लास्ट में आखिर में रात का व्यू भी आप देख लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी मुझे बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।